हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। इतना भयानक गर्मी में हर चीज़ ठंडा खाने का मन करते हैं, चाहे आइसक्रीम हो, कुल्फी हो। एक कुल्फी जैसे बनाएंगे, जो सेमुई सेमुई का डेजर्ट बनाएंगे, ये मखाना, बादाम, कुछ काजू, किशमिश, दालचीनी, छोटा इलायची, हरा इलायची सब लिया है। अभी दूध से बनाएंगे। मैंने चूल्हा जला दिया है, इसी में डालेंगे एक चम्मच घी, अब इसको अच्छे से हिला लेंगे। आप डालेंगे इसमें काजू और बादाम, दोनों एक साथ ही फ्राई कर लेंगे। बहुत ही हल्का हल्का फ्राई करेंगे। ज़्यादा लाल कलर नहीं करना है, थोड़ा सा खुशबू लाना है। ये हो गया, मैं उठा लेती हूँ। इसी में किशमिश डाल देंगे, थोड़ा बहुत फ्राई कर लेंगे, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं। और किशमिश भी फ्राई हो गया है, हम इसको भी उठा लेते हैं। इस तरह से सारे उठा लेंगे। अब इसमें मखाना ये भी डाल देती हूँ, ये भी थोड़ा हल्का फ्राई कर लेंगे। हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे इसको। मखाना तो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। घुटनों दर्द, कमर दर्द, मखाना खाने से ठीक हो जाता है। तो सबका साथ मिला के खाया करो, इसको पाउडर बना के भी खाया करो। मखाना भी हमारे फ्राई हो गया है, इसमें इसी में ही पता चल जाएगा। अभी हुआ नहीं, अब हो गया है, देख सकते हो टूटा जा रहा है, मतलब ये हो गया। इसको भी मैं उठा लेती हूँ। मखाना भी उठा लिया है, अब डालेंगे एक चम्मच घी। एक चम्मच डाल दिया है। अब इसमें सेवियाँ, एक थोड़ा कुल्फी जैसे बनाने के लिए सेमी है, इसको थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। इसको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते हो थोड़ा काला चेंज हो गया है। अब इसमें डाल देंगे दूध। देख सकते हो कलर चेंज हो गया। अब इसमें डाल देंगे दूध। इसमें थोड़ा सा कम, 1 किलो दूध था, इसको बॉईल करके थोड़ा कम कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी से हिला के मिला के जो सेमुइयाँ हैं इसको पकने देंगे। तो इसको ढक के पकाएंगे, जब पक जाएगा तब चीनी डालेंगे। अभी 2-3 मिनट के लिए इसको ढक देती हूँ, ढक कर इसको पका लेंगे। अब 2-3 मिनट हो चुका है, खुल के देखती हूँ। हमारा सेमुई भी थोड़ा बहुत गल चुका है। अब इसमें हम डालेंगे एक दालचीनी का टुकड़ा, बहुत ही खुशबू आएगा। और 2 हरा इलायची लिया था, उसको थोड़ा दबा के ठोक के दिया है। आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। अब इसमें डालेंगे चीनी। इस कटोरी में जब जितना सेमुई लिया था उतना ही चीनी डाला। चीनी आप अपना हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। इसको हिला के मिला के चीनी गला लेंगे।
चीनी हमारे गल चुका है, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। मीठा चीज में नमक देने से स्वाद बढ़ जाता है, इसीलिए थोड़ा सा नमक डालें। आप डालेंगे ड्राई फ्रूट, आप डाल देंगे मखाना, आप डाल देंगे किशमिश, काजू, बादाम, ये सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे। दाल की इसको अच्छे से हिला के मिला के और 2-3 मिनट पकाएंगे। इसको 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ। 2 मिनट हो चुका है, अब ढक्कन खोल के देखती हूँ। वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही टेस्टिंग होगा, बहुत ही यम्मी होगा, ठंडा ठंडा कूल कूल, एकदम कुल्फी जैसे, फलूदा जैसे खाने में लगेगा। अब इसमें डालेंगे छोटा चम्मच का 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है, इसमें दूध से भी बोल सकते हो, पानी से भी बोल सकते हो, मैं तो कुछ सारे दूध इसमें ही डाल दिया, याद नहीं था, मैं पानी में ही घोल लेंगे। इसको अच्छे से ऐसे घोल के अब इसको थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, नहीं तो जल्दी बैठ जाते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे और हिलाएंगे। इसको चलाते रहना, इसको इसको भी 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब मेरा पक चुका है, अब इसमें डालेंगे केवड़ा एसेस 1 फोटा, बहुत अच्छा खुशबू आएगा, बहुत खाने में मजा आएगा। अब जो गाढ़ा ये ठंडा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, ज़्यादा गाढ़ा होने ना देना, अगर ज़्यादा गाढ़ा लागे तो थोड़ा सा गर्म दूध डाल देना, ठंडा हो जाएगा तो गाढ़ा हो ही जाएगा। मैं अब चूल्हा बंद कर देती हूँ, अच्छे से पक गया है। जब ठंडा हो जाएगा 1 घंटा बाद तब सब करेंगे, ठंडा ठंडा कूल कूल। हमारे 2 घंटा हो गया है, ठंडा हो चुका है, एक बोल में डाल लिया, बहुत ही टेस्टिंग बना है। अब एक बोल में सर्व कर देती हूँ। इसके लिए चाहिए एक बोल ले लिया है, इसी में डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब देख सकते हो कैसे बने हैं। अरे गर्मी का मौसम में, इतना भयानक गर्मी में ठंडा ठंडा कूल कूल, ऐसे कुल्फी का जैसे खाया करो, अच्छा भी लगेगा। तो गानी सिंह के लिए हम डाल देंगे, आपका मर्जी, आप ड्राई फ्रूट भी बहुत सारे डाल सकते हो, ऐसे ही ताज़ी फ्रूट भी डाल सकते हो। मैं किशमिश से इसको गार्निश कर देती हूँ। कटा हुआ आम, दो चार अनार, आपका मर्जी, आपके पास अगर ताजी फ्रूट रहे तो फ्रूट चाट भी कर सकते हो, फ्रूट टेजर। गुलाब का पापड़ी इसको देखिए गार्निश कर देती हूँ, देखने में अच्छा लगेगा, खाने में भी टेस्टिंग लगेगा, अच्छा लगेगा।
इसको थोड़ा साइड कर देती हूँ। अब दो गिलास ले लेती हूँ, इसमें पहले थोड़ा आम डाल देती हूँ, अब इसी में भी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एकदम कुल्फी फलूदा जैसे बना है, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। इधर भी डाल देती हूँ। इसी में भी गार्निश कर देती हूँ थोड़ा आम से। आम का सीजन है, आम तो होंगे ही सबके पास। बाकी फ्रूट आपके पास जो हो आपका मर्जी से डाल सकते हो। गर्मी का टाइम ये सब चीज खाने में अच्छा लगेगा। गुलाब का पापड़ी, मेरा सेमुई कास्टर्ड डेजर्ट, आपको कैसे लगा? अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा लगेगा इस तरह से बनाना। मैं जैसे बनाया है ऐसे बनाना, अच्छा बहुत लगेगा, बहुत ही टेस्टिंग लगेगा। ठंडा ठंडा कूल कूल बहुत ही यम्मी लगेगा। अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और खुश रहना, मुस्कुराते रहना। अल्लाह हाफिज़।